कटनी से जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक में फैसला लिया गया है 21 दिसंबर को मंडल स्तर पर बैठक होगी 23 दिसंबर को प्रदेश के सभी शक्ति केंद्रों पर बैठक होनी है बता दें बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है और इस बैठक में फैसले लिए गए हैं 25 दिसंबर को अटल बिहारी की जयंती मनाने का फैसला लिया गया है बूथ पर सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी की जयंती मनाई जाएगी ये फैसला इस बैठक में लिया गया है इक्कीस से 25 दिसंबर तक बैठकें होंगी और इसके साथ ही सभी शक्ति केंद्रों पर बैठक 23 दिसंबर को की जाएगी और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं मनोज जी बीजेपी कार्य समिति की बैठक बेहद ही अहम बैठक जो कि कटनी में जारी है कई फैसले भी लिए गए हैं कि 21 दिसंबर से बैठकों का दौर एक बार फिर शुरू होगा देखिए भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित बैठक कहे इसे और बैठक अभी अंतिम सत्र में चल रही तरुण चुग जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है उनका अभी भाषण चल रहा है वो टिप्स दे रहे हैं जो भी कार्यकर्ता जिले के अध्यक्ष बाकी वरिष्ठ नेता जो मौजूद है उनको बैठक में अंतिम दौर में शिवराज सिंह चौहान तरुण चुग मुरलीधर राव बी शर्मा सभी मंच पर मौजूद है कैलाश विजयवर्गी लेकिन बड़ी बात यह है कि आज दिन भर जिस तरह से यह बैठक चली है तो अब की बार 200 पार के साथ ही ये भी तय हुआ है कि अब वोट शेयर जो है वो इक्कावन से बढ़ाकर कर किया जाए बल्कि कैलाश विजयवर्गी तो यहाँ तक बोले मंच से कि त्रेपन से भी ज्यादा हम छप्पन तक जा सकते हैं जिस तरह गुजरात में फिफ्टी के आसपास वोट शेयर बढ़ा है लेकिन उसके अलावा चीजें हम देखे संजय भाई क्या कहेंगे बैठक अंतिम सत्र में चल रही है लेकिन दिन भर की बैठक को आप लोग और आपने बड़ा अच्छा बैठक का आयोजन भी किया क्या देखें क्या इस बैठक के बाद कुछ नया दिखाई देने वाला है के लिए आप लोग ऊर्जा से भवरे, लवरेज है हर चिंतन शिविर के बाद या प्रशिक्षण शिविर के बाद या बैठक के बाद कुछ ना कुछ निचोड़ तो निकलता है जो रस के रूप में आता है सामने और मुझे उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है जो कार्यशैली है कि पहले राष्ट्रीय बैठक होती है फिर प्रादेशिक होती है फिर जिले की होती है फिर मंडल स्तर की होती है तो ये जो बैठकें होती है तो समान रूप में ही है लेकिन जो कटनी में आज जो बैठक हुई है ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय भी है कि हमें प्रदेश का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोगों का स्वागत सत्कार करने का अवसर आदरणीय विष्णुदास शर्मा जी ने जो हमारे स्थानीय सांसद भी हैं प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने दिया और बड़ी सार्थक बैठक हुई है बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा हुई है बहुत अच्छे मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त हुए इसके बहुत ही सार्थक परिणाम आएंगे तो ये माना जाए कि जैसा तेईस को लेकर कहा जा रहा है गुजरात में दिखाई दिया शर्मा कुछ देर पहले हमसे बात करें उन्होंने कहा फिफ्टी थ्री वोट शेयर के आसपास तो क्या उस तरफ जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी का ना केवल इस बैठक में बल्कि पहले से भी लगातार अब एक ही निर्देश है एक ही निर्णय है और एक ही लाइन ऑफ एक्शन तय हुआ है कि किसी भी कीमत में इक्यावन से ज्यादा हमें वोट शेयर करना ही है लेना ही है हमको लोगों का दिल जीतना है दिमाग जीतना है कार्य करना है लोगों की सेवा करना है लोगों को सुविधाएं प्रदान करना चाहे जो करना पड़े जिसमें जनता प्रसन्न हो जो उसकी आवश्यकता है जो उसके कष्ट उसको दूर करो कुछ भी करो लेकिन 51 प्रतिशत वोट शेयर अपना करना है हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा में अपने आप को संपूर्ण निछावर करना है बड़ी बात है जिस तरह रितु आप देख रही हैं संजय पाठक है यहाँ बैठक का आयोजन करने वाले हैं यहाँ से विधायक आते हैं लेकिन 21 और 23 और 25 तक के जो कार्यक्रम आपने जिनका जिक्र किया जिन तारीखों का वो तो दिखाई देंगे पर सबसे बड़ी रणनीति यही है कि वोट का जो शेयर है वो इक्कावन से बढ़ाकर फिफ्टी तक जाना हर हाल में मेहनत करना होगा क्योंकि तेईस के चुनाव में अब लंबा वक्त नहीं बिल्कुल वोट शेयर बढ़ाने के साथ ही कई रणनीतियां भी इस बैठक में बनाई जा रही हैं मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए